शक पड़ गया कि इमरान खान कहीं एक नंबर काम ना कर दे, वो वारदाती हो, फ्रॉडी हो, यहाँ पे एलडीए आपके हर हर चीज कंप्रोमाइज। आप इमरान को इन 15-2 नंबर फ्राडियों पार्टियों की कैंप में बैठ के गाली देते हैं तो आपकी गाली पे एतबार नहीं रहता, वो गाली उसके लिए तारीख बन जाती है। तो पहले कौन रियासत मदीना थी यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडेटिव पोस्टिंग के लिए हमजा शहबाज साहब को जाके इंटरव्यू देते थे, ब्यूरोक्रेट नहीं देते थे, वो एक बंदा चुप करके जेल में बैठा, सारी कौम उसके पीछे चल रही है। अच्छा सर, मुझे भाई आप भाई कैसा, मैं इंकलाबियों को टैग नहीं करता, मेरी बात हो गई, इंकलाब आप लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, वो जो पेपर जो रिजेक्ट हुए हैं ये नवाज शरीफ ने किए हैं, मुझे पता है किसने किया, आपको पता है किसने किया, निगरान हुकूमत किसको जवाब दें, और फिर वापस उनको दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक बैंकरप्ट मुल्क बना के रख दिया, खुद अरबोंपति और खरबोंपति बन गए। नहीं है, आपने जो बातें की हैं वो जाहिल आपका सुनने वाला होगा, जो कोई और बात तय करेगा। जो एस्टैब्लिशमेंट चक्कर चलाती है इसको पीछे हट जाना चाहिए, इनको फैसला नहीं करना चाहिए, उसका लेवल ना होना चाहिए, इतने बाहिल आदमी है यही गल। लेकिन ये जो 1977 में पाकिस्तान से सबसे बड़ा झूठ बोला गया था, इन्होंने क्यों मुस्तरद किए, बाकी सारे दूर से खड़े हुए हैं जो लड़के लड़ेंगे, नहीं है ना इमरान खान के, और ये फ्रॉडी है जिन्होंने यहाँ के इस मुल्क को साल तक पहुंचाया, वहां पे कबूलियत जो है बुर्का पहन के जाएं या गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाएं। उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारस जानदेव के लाइव शो में इमरान खान की मकबूलियत और मौजूदा हालात में जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, इस पर आज सीनियर सहाफ़ी सईद काजी और हफीज़ुल्लाह नयाज़ी के दरमियान इमरान खान को लेकर ज़बरदस्त किस्म की तकरार हुई। आए पहले इन दोनों की गुफ्तगू सुनते हैं कि ये किस बात पर आपस में इतनी ज्यादा तकरार कर रहे हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मौजूद मकबूल तरीन लीडर है, ये आपकी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये तो कहा जा रहा है ना सर, ये तो कौन कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप, सोशल मीडिया ऑथेंटिक है, जहाँ पे फेक न्यूज चलती है, पुरानी तस्वीरें लगा के सर्वेस करा लें, उसमें पता चल जाता है, जितने सर्वेस हुए उसमें तो पीटीआई कहा जा रहा है कि मकबूल है, कबूल नहीं है, मकबूल कोई मकबूल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, फैन क्लब उसका होगा वो मैं मानता हूँ, है लीडरशिप, इलेक्शन और फैन क्लब इज अ डिफरेंट। तो इलेक्शन में भी तो बराबर का मौका सबको देके देखे फिर पता चलेगा ना। अच्छा। ये क्या कि आधों के हाथ बांध दें और आधों को आप पूरी फील्ड हाथ में दे दें, अगर आपने इलेक्शन में बाकी रिजल्ट देखने हैं। पिछली बार बाकियों के पास सारी फील्ड थी, तो दायरे के सफर में घूम रहे हैं, एक को फील्ड मिलती है, दूसरा होता है, ऐसा ही चलेगा फिलहाल, तो कोई तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क का यही चांस है कि आप एक बार किसी को स्टेबल गवर्नमेंट चलाने दे, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट चक्कर चलाती है इसको पीछे हट जाना चाहिए, इनको फैसला नहीं करना चाहिए, और कोई एक शख्स फैसला ना करे, ये जमहूरियत है तो पार्लियामेंट बनती है, हैंड ओवर कर दें पार्लियामेंट, आइडियल बात है ये। तो सईद काजी साहब, मैं जब भी बात करती हूँ ना आपसे तो मुझे लगता है कि अक्सर आप बड़े गुस्से में होते हैं, ना उम्मीद भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, और ये झलकती हैं ये चीज़ें आपकी गुफ्तगू से। सर ज़ाहिर है हर माशरे में ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं इसमें यहाँ पे हर फर्द चाहे उसका कोई भी नज़रिया हो, मज़हब हो, या वो किसी भी सियासी जमात से भी अगर उसका ताल्लुक हो, तो जो इस वक्त हमारे हालात है ना उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड ही है। आप समझते हैं कि साल 2024 में सईद काजी साहब हम कोई छोटी मोटी कोई उम्मीद लेके दाखिल हो रहे हैं, या फिर वही सब कुछ हम देखेंगे जो 2023 में हमने देखा या देखते आए हैं? Paris, it is always a pleasure to be on your show. Unfortunately, आज मैं आ नहीं सका वीडियो पे। बात यह है कि इमरान खान कोई ऐसा सच नहीं था जो इस कौम से बोला गया, लेकिन ये जो 1977 में पाकिस्तान से सबसे बड़ा झूठ बोला गया था और शरीफ फैमिली को शरीफ डायनेस्टी में तब्दील किया गया था, इसके साथ खड़े होके आप, मैं इमरान का उसके मुंह पे कह के मैं आया कि ना तुम्हारे पास कोई हल है इस माहौल का, ना ही सरमायेदारी निजाम में है, मैं सोशलिस्ट हूं, और ये उसने मुझे कहा खान ने, तो भाई कैसा, आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, मैं कहता दैट आई नो, ठीक कैसे करोगे। बात ये है, ये जितने लोग इनके साथ खड़े हैं जो 15 पार्टी की गवर्नमेंट बननी है, ये सच है, और इसको सच मान के आप चलेंगे तो इमरान खान को कोई झूठ मानेगा? हकीकत ये है कि ये दबके हुए हैं, दौड़ रहे हैं, और किससे दौड़ रहे हैं, एक ऐसे इंसान से दौड़ रहे हैं जिसके पास मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है, और क्यों दौड़ रहे हैं, उसके 90% कागज इन्होंने क्यों मुस्तरद किए, आप ठीक कह रहे हैं, बाकी भी दूध के धुले नहीं है, लेकिन खान साहब की खुद कोई गलतियां नहीं है? आप नहीं समझते कि आज जहाँ पे इमरान खान है मौजूद वहाँ पे वो खुद भी किसी तरह रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी हद तक? मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, कि आप समझते हैं कि जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन थे वो इतने जीनियस थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात को खराब करा देते, या फिर वो उनकी अपने बल पे हुकूमत गिरा देते? पारस नहीं, इनको शक पड़ गया था कहीं एक नंबर काम तो नहीं होने लगा रियासत में, क्योंकि एक नंबर कर नहीं सकता था वो, इन्हें शक पड़ गया कि इमरान खान कहीं एक नंबर काम ना कर दे, वो वारदाती हो, फ्रॉडी हो, यहाँ पे एलडीए आपके हर हर चीज कंप्रोमाइज, 2 नंबर पोस्टिंग बिक रही है, मियां नवाज शरीफ के आदमी पोस्टिंग नहीं बिकी या आज नहीं बिक रही, शक ये पड़ गया कि यार कौन आ गया भाई। सर लेकिन ये एक नंबर काम की आपने बात की, एक नंबर बात ये उस्मान गुजार को लगाना था, ये केपीके में महमूद खान को लगाना एक नंबर बात थी? सर मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले कौन रियासत मदीना थी यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडेटिव पोस्टिंग के लिए हमजा शहबाज साहब को जाके इंटरव्यू देते थे, ब्यूरोक्रेट नहीं देते थे,
मैं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आता सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना मैं पीटीआई हूं ना पीटीआई, ना कभी इमरान खान को वोट दूंगा, ही इज नॉट मैन। मैं लेनन को मानने वाला हूं, मैं इसको कैसे मानूं। मैं बात ये कहने वाला हूं, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, मजहबी तौर पर बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इमरान को इन 15 दो नंबर फराटिया पार्टियों की कैंप में बैठ के गाली देते हैं तो आपकी गाली पे एतबार नहीं रहता, वो गाली उसके लिए तारीफ बन जाती है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी इनकी बात में से तासीर क्यों उड़ गई है। वो एक बंदा चुप करके जेल में बैठा, सारी कौम उसके पीछे चल रही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैंने बेग साहब से भी बात की, न्याजी साहब से भी इस पे बात की, आप ये बताएं, आपको लगता है कि पीटीआई के ऊपर से ये जो 9 मई का टैग है ये कभी उतर सकेगा, इस गर्दाब से ये निकल सकेंगे? चूंकि एक तासुर ये है कि जब ये हुआ तो अगर उसी वक्त खान साहब मजम्मत करते या फिर वो अपने आप को इसे अलहदा करके इसके जिम्मेदारान जो है उनकी सजाओं का मुतालबा करते तो कहा जा रहा है कि आज शायद 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बेहतर या अच्छे अंदाज में दाखिल हो रही होती। ये नहीं है, वहां पे कबूलियत जो है बुर्का पहन के जाएं या गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाएं, उधर कबूलियत का मामला होता है, उधर ही ना कबूलियत का मामला होता है। बाकी सारी दानश जो है यहां पे किराए पे मिलती है। उन्होंने कह दिया है शहीद काजी साहब को खरीद कोई नहीं सकता, किराए तो कोई भी ले लवे। तो बात यह है कि सब किराए पे चल रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है पारस, बात यह है नहीं है ना इमरान खान के, और ये फराटी है जिन्होंने यहाँ के इस मुल्क को साल तक पहुंचाया और बाद में इमरान खान को ले आए, जो फिर जो है वो अभी शेख को लेके आ गया और फिर वापस उनको दे रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एक बैंकरप्ट मुल्क बना के रख दिया, खुद अरबोंपति और खरबोंपति बन गए, खरबोंपति प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं मेरा मेरी कौम भिखारी है। शर्म आजाबी होती है, ये नहीं होती। न्याजी साहब, इस वक्त 2000 में जो पार्टी सबसे ज्यादा मुतमईन और खुश नजर आ रही है फिलहाल, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। तो सर, ये 2023 में वैसे ये काया पलट कैसे हो गई? और दूसरी बात, आप समझते हैं कि मियां साहब इस वक्त अपने नजरियात जो हैं उनसे कुछ पीछे हट गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अजीब किस्म की मुभम सियासत कर रहे हैं, कि एक तरफ कहते हैं कि जी एहतसाब करेंगे और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। देखिए काई साहब माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं ही जो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो काई साहब ने इंकलाब इमरान खान में ढूंढ लिया है और बाकी उन्होंने जो इशारे यूज किया ना, मैं तो इमरान खान में तो न्याजी साहब आपने भी एक दफा ढूंढा था इंकलाब। मैं जी नहीं, मैं तो उसको ऑन करता हूँ, मैं तो दिलो जान से उसके साथ था, मैं तो ये पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। काई साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नहीं, काई साहब ये साथ होने की जो है ना, ये हम खाम खा अपने सुनने वालों को कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। जरा मैं जो आपको इजाजी तौर पर समझता हूँ, मेरे पास भी तो कुछ चॉइस है ना जी, मेरे पास मैं मोहसन को भी इजाजी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया है। अब वो तो नहीं मानते ना, मैंने बना दिया। मुझे मिसरिप्रेजेंट ना करें, मैंने आपको मैंने मैं पीटीआई नहीं हूं। अच्छा चलो, मैं भाई आप भाई काई साहब, मैं इंकलाबियों को टैग नहीं करता, मेरी बात सुनिए। इंकलाब आप लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, वो स्क्रिप्ट पूरा सिलाई क्या पूछिए नजरिया थी आप लोग। देखो ना, मैं कह दूं काई साहब आप नहीं है, आपने जो बातें की है वो जाहिल आपका सुनने वाला होगा जो कोई और बात तय करेगा जो मैंने तय की है। असल में अफसोस नाक बात होती है कि हम इतने कंफ्यूज है। वो कहते भुला शाह ने कहती भुलिया मैं की जाना मैं कौन यार, अगर आप विंस्टन चर्चिल मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, अब मेरी बात करने दे। ये विंस्टन चर्चिल है जिसके पीछे आप खड़े हैं जी न्याजी साहब। मैं कहता हूँ मैं तो सबके पीछे खड़ा हूँ, मैं तो बिल्कुल आप फिक्र न करें। मैं यार उसका लेवल ना होना चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा, दानिश्वर है इतने बाइलम आदमी है। ओहो मैं साहब आप यही गल कि जनाब ये मुझे आपने बहुतों को कहा हुआ है आपके सामने खुलते हो दुकानदारों के नाल। चले जरा न्याजी साहब, दुकानदारों के पता नहीं क्या दुकान हर अपने आपको मार्जिन देते जाए दूसरे को जिबा करते जाए। लेकिन बात यह कि हम कितने सहूलत से उनको फलां को नाम क्यों नहीं लेते, जो पेपर जो रिजेक्ट हुए हैं ये नवाज शरीफ ने किए हैं, मुझे पता किसने किया, आपको पता किसने किया, निगरान हुकूमतें किसको जवाब दें। एक सेकंड, आप ना एक बात मुसलसल कर रहे हैं अभी, आप ये कहते हैं कि 8 फरवरी जो है वो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये आग का दरिया क्यों है जरा ये तो बताइए ना, और ये इसको पार करने में कौन आपके ख्याल में कामयाब होगा और कौन डूब जाएगा, और फिर ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे ये काबिले कबूल होंगे, और क्या आप समझते हैं 2018 के इलेक्शन से भी ज्यादा ये आग का दरिया होगा इलेक्शन जो आने वाला है? देखिए जी क्राइसिस ये है कि पिछले एक साल से बल्कि 1.5-2 साल से इमरान खान साहब जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक उनका मैच पड़ा हुआ था। सवाल ये उठता था पब्लिक में भी, मीडिया पे भी, दानिशवरों में भी कि जी इसमें इस अंजाम में क्या होगा भाई। जाहिर हारे को पता था एस्टैब्लिशमेंट तो लूज करने वाली नहीं थी, अमकान ये था इमरान लूज करेगा तो किस बुरी तरह करेगा और किस हालत में करेगा। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से इक्वेजन को और एक नई सूरत इख्तियार कर गई है। इस वक्त जहाँ एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के साथ एक मामला चल रहा है या जो बद मामला चल रहा है, उसी तरीके से आप अदलिया के साथ भी एक थोड़ी टेंशन सामने नजर आ रही है मेरे नजरिए। और जो कल तहरीक इंसाफ के कोई 100 के करीब मेरे ख्याल में या इससे ज्यादा कोई रिजेक्शन हुई हैं
381 इससे तो सिर्फ ये मैसेज दिया है कि जी 381 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। माय गॉड, अच्छा 381 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मैसेज जो है ना ये तो सिर्फ अदलिया को मैसेज है। इन्होंने जाने चंद दिनों में हाई कोर्ट में, अब पहले भी अदलिया ने एक दफा 90 दिन का इलेक्शन हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इतने बड़ी जो माइटी है ऑल माइटी बल्कि सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद उसे क्या हशर हुआ। अब आप ये देखें कि इसके बाद मेरे तो 5 महीने पहले मैंने जियो पे एक किया था, बार बार खर्चे का इजहार किया था, उसका जरा मुश्किल था कहना, तो मुझे जब मैं बोलता था तो जाहिर है कि कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, और वक्त से पहले बात कई दफा आपको मुश्किल ही डाल देती है। मैंने कहा जी काजी फैज साहब आएंगे ना, तो उसके बाद दिसंबर जनवरी के अंदर मैं तो पाकिस्तान के अंदर पीसीओ को देख रहा हूँ, अच्छा। और पीसीओ का मतलब है कि जुडिशियल को रेक्टिफाई करना देख रहा हूँ, और वो जाहिर है दो तरीकों से आ सकता है, या इमरजेंसी से आ सकता है या मार्शल लॉ से। मैं एक ब्रेक ले लूं यहां से, फिर ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है कि एक एक दिन जो है ना अब एक एक साल में भारी है, 8 फरवरी तक का तो चुनाव किसी पर आए, मैंने कहा था कि आग का दरिया है, क्योंकि आपको कल 2-3 दिन में यह पता चलेगा कि जो जुडिशियल अगले 3 दिनों में 3 जनवरी तक उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन करने हैं। अगर तो उन्होंने जो रिजेक्शन हुई है उनको उन्होंने जो है जो कि बेशुमार है जिसमें समझते नाजायज हुई है, क्योंकि साफ पता चलता है कुछ की कोई कुछ के तो यह है कि केसेस हैं, भगोड़े हैं और जेल में हैं, चलो जो कुछ है, लेकिन कुछ के और जेल में भी हमेशा लोग लड़ते रहे, जावेद हाशमी लड़ते रहे, बेशुमार लोग लड़ते हैं, जेल में देखते हैं सब जुडिशरी क्या उसका वो आप ठीक कह रहे हैं। सईद काजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इमरान खान को ये जो फ्राइडे गालियाँ देते हैं ये गालियाँ इमरान खान के लिए तारीफ बन जाती हैं। सईद काजी ने कहा कि इमरान खान तो चुप करके जेल में बैठा है मगर सारी कौम इमरान खान के पीछे चल रही है, सब कंपनियां इमरान खान को फ्लाप करने में नाकाम हो चुकी हैं और हमारी कंपनी उस फ्राडिये को दोबारा इकतदार पर बिठाना चाहती है जो खुद तो अरबोंपति बन गया मगर मुल्क का दिवालिया कर दिया। आज हमारा अरबोंपति हुक्मरान कहता है कि हम बेकारी हैं, मेरी कौम बेकारी है, मगर अफसोस फिर उसी को इकतदार की कुर्सी पर बिठाने की तैयारियां की जा रही हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आजकल पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं ये नवाज शरीफ करवा रहा है, कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बल्कि पूरी कौम जानती है, निगरान हुकूमतें किस को जवाब दे हैं सबको पता है, सब दायरों का सफ़र है, मगर इमरान खान की मकबूलियत एक हकीकत है, इससे हमारे तमाम इदारे आंखें चुराते हैं जो कि नामुमकिन है। 90% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही अपना नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।